second gear. हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। फ्रेंड, ये वीडियो आपके रिक्वेस्ट पे बनी जा रही है क्योंकि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा गियर प्रॉब्लम हो रही है, गियरिंग प्रॉब्लम है, गियर बार बार शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने एक प्रॉपर राइड करने वाला हूँ मोटो व्लॉगिंग के साथ। हम गियर भी टेस्ट करेंगे और आपकी क्या कह रहे हो आप, हीट इंजन? यार, हीट इंजन तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, वो होगा ही होगा थोड़ा बहुत, और ये आपकी रफ़ ड्राइव पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इसके बारे में। अभी मैं जस्ट इसकी थर्ड सर्विस करा के लेके आया हूँ और थर्ड सर्विस के बाद मुझे सिर्फ एक ही इसमें प्रॉब्लम दिख रही थी कि ये बाइक ठंड के अंदर थोड़ी स्टार्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया था। अब बोलने के बाद बस अब वो ये कह रहे हैं कि सर, एक बार हमने उसकी जो सेल्फ मोटर है उसको उन्होंने चेंज कर दिया है क्योंकि हो सकता है वो इशू आ गया हो। अभी तक मुझे इस गाड़ी में सिर्फ एक ही इशू ये है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इसकी सेल्फ मोटर को हमने चेंज करवा दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि आपको पता है ये इसकी वारंटी में है। तो अभी कोई इशू नहीं है हमारा। जो अभी मैं आपको एक बार बिल अटैच कर दूंगा, मेरी थर्ड सर्विस का कितना बिल आया आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये मेरा थर्ड सर्विस की कॉस्ट आई है, मैं आपके सामने एक बार दिखाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि यार, अब थर्ड सर्विस हो गई है तो चल भी गई है, अराउंड 6000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूँ। बाकी भाई देखो, व्लॉगिंग चलती रहेगी और चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखा करो और शेयर भी कर दे करो। ये भाई क्या कर रहा है यहाँ पे? हेलो, ये भाई व्लॉगिंग में आ रहा है। चलो, तो अभी मैं मोटो व्लॉगिंग के साथ एक बार टेस्ट कर लूँगा। और यार, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जो मुझे आज ही सर्विस वालों, जो सर्विस हो गए वहाँ पे, जो भी टेक्नीशियन होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर आपको कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ ये आपसे, कम से कम आपको 2 लीटर पेट्रोल तो रखना ही रखना है। अगर आप 2 लीटर से कम पेट्रोल रखोगे तो बहुत सारे इशू आते हैं इसके अंदर, इवन ये गर्म होने लगती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि स्टार्ट नहीं होती है प्रॉपर, आपको एवरेज नहीं देगी। तो यार, कम से कम आप 2 लीटर तो पेट्रोल इसमें रखना है। ये कंपनी की गाइडलाइन है, जो हीरो कंपनी है उसी ने गाइडलाइन दी हुई है कि जो BS6 है इसमें आपको 2 लीटर कम से कम पेट्रोल रखना ही रखना है। और बाकी तो आपको मैं दिखाई देता हूँ, एक गियर शिफ्टिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में भी बात करूँगा, बाकी देखते हैं। चलो, अब चलते हैं मोटो व्लॉगिंग पे सीधा। मैं थोड़ी मोटो व्लॉगिंग भी करूँगा और उसके बाद जो भी घेर से हम लेके करके लगा के देखेंगे, अपनी स्पीड भी देखेंगे कि कौन सी घेर तक, कहाँ तक स्पीड जाती है। तो मैं आपको पूरा लाइव व्यू देने वाला हूँ इसके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। आ गई भाई ट्रेन, आ गई। अच्छा, मेरे पीछे एक ये देखो ट्रेन आ रही है, ये आपको दिखेगी यहाँ पर आएगी। ये देखो, ये पीछे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो पता नहीं कौन सी ट्रेन है लेकिन रेलवे स्टेशन है पीछे, उसके यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सुनसान सा एरिया होता है, यहाँ पे लोग ड्राइविंग वगैरह भी सीखते हैं, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर, एक बार गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए चलते हैं अपनी बाइक पर। गाइस, न्यूट्रल पे है तो मैं एक एक करके अभी घेर को टेस्ट करूँगा और ये भी मैं चेक करने वाला हूँ कि मतलब पर घेर कितनी स्पीड तक पहुँच जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। जय बजरंगबली। सेकंड गियर,
पेट्रोल भरवा लेते हैं पहले डाउन। ये देखो स्टार्ट पे अभी न्यूट्रल है, आई थ्री एस ऑन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देन की ऑफ। ये भाई मेरे से पहले आ गया, लेकिन इस भाई ने इस तेजी में मोड़ी ना भाई, मेरे से पहले पेट्रोल ना भरवा ले, जैसे कि इसको 5% या 5 लीटर एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, जितने पैसे दोगे उतना ही मिलेगा। तो गाइस देखा आपने, कोई भी मेरे को इशू नहीं लगा, मैंने सारे अभी घेर डाल के भी देखे और स्पीड अभी मैंने 60 तक ले जाके देखी, तो मुझे कोई इशू नहीं लगा। बाकी यार अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो अपना क्लच व्लच की जो वायर है उसको देखो यार, कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, क्योंकि घेर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, घेर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हीटअप के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, हीटअप नहीं यार, ये देखो कोई हीटअप नहीं है। मैं आराम से देखो साइलेंसर पर हाथ लगा पा रहा हूँ, कोई हीट नहीं है, कोई हीट नहीं है, देखो कोई हीट नहीं है, इतनी दूर चला के लेके आया कोई हीट नहीं है। तो फ्रेंड्स इतना हीटिंग भी कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन बस ये डिपेंड करता है आपके ड्राइव पे यार, आप रफ ड्राइव मत करो, अगर आप रफ ड्राइव करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद तो आएगी ही, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक करके ठोक देना फटाफट, और जो लाल कलर का बटन आ रहा नीचे उसको दबा देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर ब्लॉगिंग देखनी है तो दबा के फिर तो रखना ही रखना, और बेल आइकन को फिर भी दबा देना, ताकि आपको कोई भी ब्लॉगिंग मिस ना हो, क्योंकि हो सकता है मैं एक टूर बना रहा हूँ और अगर वो टूर पे गए तो इन्जॉयमेंट होने वाला है फुल, आपको सारे के सारे ग्राफिक्स वगैरह उसके अंदर सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह सब दिखाने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ़।